16 मई 2023 बड़े मंगलवार के दिन करे 2 लौंग 3 कपूर का ये महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा चलाएगा धन। दोस्तों, ये जो मंगलवार 16 मई 2023 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। कहा जाता है ज्येष्ठ महीने में आने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ अगर विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन की हर कष्ट स्वयं को मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। हमारे धर्मशास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो हम बताने जा रहे हैं, तो बस एक दिन के उपाय से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं ज्येष्ठ मास के मंगलवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दुगुना फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे आप लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 2023 का ज्येष्ठ का महीना 6 मई 2023 से शुरू हुआ था और ये 4 जून 2023 को समाप्त होने जा रहा। ज्येष्ठ माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे आपको साक्षात बजरंग बली जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ज्येष्ठ मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियोस में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन में इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान जी की वो कृपा प्राप्त करेंगे जिसके बाद ना केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ मंगलवार के दूसरे मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम जय बजरंग बली की। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि अगर आप प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं, इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज होते हैं वो अपने प्रत्येक भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करनी पड़ती है। लेकिन ज्येष्ठ मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे तो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ज्येष्ठ मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ना केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू? इन दोनों में से आप कोई भी लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं।
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी का पता अवश्य रखते, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को कोई भी भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो वो भोग पूरा नहीं माना जाता। तो आपको इस 16 मई 2023 के बड़े मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है तो वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 16 मई 2023 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए और पीतल की कटोरी में 2 लौंग 3 कपूर रखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखनी है। अब आपको घर के किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करनी है। ये करने के बाद ये जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डब्बे में भर लीजिए। अब पूरे ज्येष्ठ मंगलवार मतलब 4 जून तक आप लोगों को इसके तिलक धारण करना है। अगर आप ये इतना उपाय करते हैं तो माना जाता है कि इतने उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से अवश्य पूरी हो जाती है। तीसरे उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो वो तीसरा उपाय है घर की बरकत बनाने का। दोस्तों अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी है आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर आप अपनी बीमारी से बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पूजा करनी है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। सुबह नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 ग्राम गुड़ कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना लें और पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी को अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर देते हैं तो यकीन मानिए लंबे समय से जो बीमारी आपसे आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना उपाय करने भर से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो, बीमारी आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके जीवन में फिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन है उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को आपको चढ़ानी है। अगर आप करते हैं इतना आपके जीवन में बेफिजूल खर्चे पूरी तरह से बंद हो जाएगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि इन चारों दिशाओं से धन खींचा चला आए, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आपको ज्येष्ठ मंगलवार के प्रत्येक मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, 5 मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और ये हनुमान जी महाराज को चढ़ानी है। अगर आपने ज्येष्ठ महीने प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। चौथा और आखिरी उपाय है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, अगर आप इस चीज को लेकर बड़े ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ज्येष्ठ मंगलवार के दिन किसी भी समय सुबह या शाम किसी भी समय आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का बीड़ा भगवान हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी, जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।